ये देखें, ये आपके पास है। इसमें ये कहता है कि फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द मैट्रिक्स ए इज इट्स ओन इनवर्स। तो पर जो स्क्रीन नहीं शो इनवर्स, हो रही। अच्छा एक मिनट, अब ठीक है जी सर, जी बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिंस ए इज इट्स ओन इनवर्स, ठीक है, तो इट मींस हमारे पास जो है ए और ए इनवर्स जो है बेटा, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए जो होगा हमारे पास क्या होगा, अपने इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारे पास वी नो दैट ए ए इनवर्स बेटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जो ए की वैल्यू आपके पास गिवन है वो है आपके पास 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4, और जो ए इनवर्स है बेटा वो भी हमारे पास क्या है, वो ए के इक्वल है। तो अगेन हम उसकी जगह वही वैल्यू लिख देंगे, 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, एंड द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, वो आपके पास आएगा 1 0 0 1, है। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 3 एक्स, देन माइनस 12 प्लस 12 4 एक्स माइनस 4 एक्स, देन आपके पास आ जाएगा माइनस 3 एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो हमारे पास ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4x से 4x क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 3x, ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये भी 0 हो गया, और ये अगेन 16 माइनस 3x इस सर ये 16 जो आया, ए। हमने 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई किया। ये बेटा इस तरह करना है आपने, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 आएगा, -3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x। इसी तरह सर जब ये आप 4 सेकंड, पे तो माइनस है ना। बेटा ये देखे ना, ये यहाँ पर जब सेकंड रो में आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3x, जब इस -4 को -4 से करेंगे तो +16 आ जाएगा, ठीक है। रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना इस तरह, जी, आगे समझ। ठीक, ठीक है। तो मैं वो ये, डायगोनल की तरफ गए, क्या अच्छा डायगोनल को दे रहे नहीं हैं। नहीं नहीं जी बेटा, तो यहाँ पर इक्वेटिंग द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वेटिंग द बेटा, ये आपके पास जो वो वैल्यूज हैं वो है 16 माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 1। 16 को आप राइट साइड पे लेके आए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास -15, देन नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स से जब 15 को कैं 3 से जब 15 को कैंसिल करेंगे तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की, ठीक है जी। ये बेटा हमारे पास रिजल्ट आ गया जी जी। उसके बाद बेटा हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 है आपके पास, तो 32 में हमारे पास ये कहता है कि फाइंड द इनवर्स ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है बेटा वो आपके पास है ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन माइनस कॉस थीटा
एंड साइन थीटा। आपने बेटा इसका सब इन्वर्स फाइंड करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वेल नोन आइडेंटिटी आपके पास है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास वन के। अब हमने क्या करना है, इसका एट जॉइंट फाइंड करना है। एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम उसमें क्या करते होते हैं, टू बाई टू का जब भी मैट्रिक्स आप लेंगे उसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, और सेकेंडरी डायगोनल जो आपके पास है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या है, जब आप ए का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये बन जाएगा एट जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए आपके पास क्या है, वो आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आपके पास है कॉस थीटा, और ये आपके पास साइन थीटा, ठीक है, ये आपने बेटा फाइंड कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनैलिटी का, ठीक है। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये बेटा हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स जो है हमारे पास ऑर्थोगोनल है, इफ अ गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देन उसका जो इन्वर्स होगा ना आपके पास, ठीक है, वो इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आप उसका ट्रांसपोज लें या उसका ट्रांसपोज लें या उसका इन्वर्स निकालें, दोनों हमारे पास इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। तो अभी जो मैट्रिक्स बेटा आपके पास गिवन थी वो क्या थी, जैसे ये हमने ऊपर एक 32 क्वेश्चन के अंदर किया अभी, तो उसमें मैट्रिक्स आपके पास यही थी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। आप लोगों ने जब इसका इन्वर्स कैलकुलेट किया था तो इन्वर्स में इसके क्या आया था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ठीक है, जब इसका इन्वर्स आपने कैलकुलेट किया था तो बेटा वो आपके पास आया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड देन कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है जी। और दूसरा नंबर बेटा हमारे पास ये था कि अगर आप इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रांसपोज लेके देख लें तो क्या देखते हैं हम, वो ये हमारे पास है, ये देखें, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो है ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वल आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 32 क्वेश्चन में हमारे पास द गिवन मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इन गिवन मैट्रिक्स इन 32 इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो हमारे पास जो है अगर 3/3 में बेटा अगर इस तरह करना पड़ जाए कि इनवर्स जो है हमारे पास उसके क्या वो ऑर्थोगोनल है, आप इस चीज को जान चुके हैं कि अगर वो ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो आप क्या करें, आप उसका सिंपल ट्रांसपोज ले लें और उसके बाद आप लोग आइडेंटिटी जानते हैं एक,
आप लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि ए ए ट्रांस सॉरी ए ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास आइडेंटिटी के, और हमारे पास हम जानते हैं कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा हमारे पास ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, ए को अब जो ए का ट्रांसपोज लिया आपने उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और अगर रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल है। क्यों? कि हमारे पास इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि वाकई ए ट्रांसपोज जो है उसके इनवर्स के इक्वल है, जब हमने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई की है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। क्लियर है, समझ आई है इसकी या नहीं आई? ये देखिए ये मैट्रिक्स, ये वेरीफाई दैट ये जो गिवन मैट्रिक्स 3x3 में आपके पास है इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप क्या करें इसका ट्रांसपोज लें और उसको चेक करने के लिए क्या आया कि हमारे पास इसका ट्रांसपोज जो है इनवर्स के इक्वल है, तो आप क्या करें इसका ट्रांसपोज लेकर इसी मैट्रिक्स से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस तरह हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास है, क्लियर है, ये आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है ताकि फिर जो होगा फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, क्वेश्चन 34 है बेटा। इसमें हमारे पास कहता है कि इस चीज को प्रूव करें आप कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो बेटा ये आपके पास है ए इज ऑर्थोगोनल, तो बेटा यहां पर आप लिखें गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या होगा, ए का जो इनवर्स है बेटा हमारे पास वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा उसके ट्रांसपोज के इक्वल। तो हमारे पास बेटा ये चीज हमने प्रूव करनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो आप लोग एक और चीज़ जानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें, और दूसरा आप यहाँ पर है वी नो दैट ए ए इनवर्स किसके इक्वल होते बेटा, ए ए इनवर्स आइडेंटिटी ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर वन तो बेटा ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप बेटा दोनों साइडों पे इसका डिटरमिनेंट अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये बेटा प्रॉपर्टी यूज करें आप इसकी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वन। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है बेटा, वो आप लोग पढ़ते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है बेटा वो किसके इक्वल होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, यहाँ पर अप्लाई कर दें तो बेटा ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन। तो ये बन जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर
इज इक्वल टू वन, तो जब बेटा इसका स्केयर खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद बेटा हमारे पास है 35th क्वेश्चन, तो इसमें कहता है सपोज ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर एन बाय एन मैट्रिसेस, देन शो दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर। तो बेटा आपने ये चीज प्रूफ करनी है कि हमारे पास जो है कि अगर ए बी जो है नॉन सिंगुलर हो तो ए बी जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, वो नॉन सिंगुलर होगा बेटा। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, तो इसमें बेटा हमारे पास है ये सपोज ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्यूशन इसका, लेट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। तो आपके पास जो है जो ए बी जो है बेटा हमारे पास, हमने उसको प्रूफ करना है कि वो नॉन सिंगुलर है हमारे पास, तो हमारे पास जो फिर डिटर्मिनेंट होगा हम लेंगे ए बी का, तो ये आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी बेटा ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, नॉन जीरो होंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों हमारे पास नॉन जीरो हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, सो हेंस ए बी इज नॉन सिंगुलर। जी समझ आई है इसकी, हाँ जी बेटा। अगर हमारे पास ए और बी, ये देखें ए और बी हमारे पास नॉन सिंगुलर थे, तो हमने क्या किया कि अगर ये नॉन सिंगुलर है तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि हमारे पास ए और बी नॉन सिंगुलर थे तो उनके डिटर्मिनेंट्स हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ए और बी दोनों हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो फिर बेटा ये जो चीज़ है ये भी नॉन जीरो हो गई और ये भी हमारे पास नॉन जीरो हो गई, तो यहाँ पर आप करके इस तरह लिख दें, इसको वन कह दें आप और इसकी जगह आप लिख दें इस तरह, सो वन इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो हेंस ए बी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ए बी जो है हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, क्लियर है ये, अब समझ आ गई इसकी। यस सर। हाँ जी जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 36th है, यहाँ पर कहते हैं सपोज ए एंड बी आर एन बाय एन मैट्रिसेस एंड देन आइदर ए और बी इज सिंगुलर, देन शो दैट ए बी इज सिंगुलर। तो इसके लिए बेटा हम इसको इस तरह करते हैं कि 36 को कॉपी करके ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम करते हैं कि लेट ए एंड बी, लेट
a and b are two n by n मैट्रिसेस, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हमारे पास कहता है कि लेट ए इज सिंगुलर, मैंने सपोज कर लिया ए जो है वो सिंगुलर है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा हमारे पास क्या होगा, फिर जीरो के इक्वल होगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो बेटा उसके बाद हम इस तरह करते हैं, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब बेटा हमारे पास जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए, जी सर ये सिंगुलर मींस उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो डिटरमिनेंट बेटा हमारे पास ए जो है वो जीरो के इक्वल है बेटा, ये जीरो आ जाएगा, और बी जो है नॉन जीरो है तो ये वैसे आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने ए को सिंगुलर कहा है। बेटा जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास अगर किसी चीज़ का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो सिंगुलर हो जाती है। तो हैंस ए बी इज सिंगुलर, ठीक है। ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। तो ये आपके पास जैसे मैंने यहाँ पर लेट किया, लेट ए सिंगुलर, आप ये भी सपोज कर सकते हैं लेट बी सिंगुलर। अगर बी को सिंगुलर करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए वैसे आ जाएगा और डिटरमिनेंट बी की जगह क्या लिखेंगे हम, जीरो, तो अगेन जीरो हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कोई भी हो सकता है, आइदर ए को आप सिंगुलर बना सकते हैं, आइदर बी को आप जीरो बना सकते हैं, वो सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चॉइसेस बेटा आपके पास हैं। उसके बाद फिर ये 37th क्वेश्चन है बेटा आपके पास। तो इसमें बेटा हमारे पास है, हमने ये प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमने ये चीज प्रूफ करनी है। तो यहां पर हमारे पास है तो ये बेटा हमारे पास है लेट ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये बेटा हमारे पास लेट ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए बेटा हम इस तरह करते हैं, अगर ए नॉन सिंगुलर है बेटा हमारे पास, देन हमारे पास हम ये देखें, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉप उसको इस्तेमाल करते हैं, वी नो दैट ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों साइडों पे आप डिटरमिनेंट इस्तेमाल करें तो ये आ जाएगा ए ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो हमने प्रूफ करना था वो क्या था हमारे पास, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। इसको आप इसको डिवाइड कर देंगे राइट साइड पे डिटरमिनेंट ऑफ ए को, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है ये देखें,
suppose a square is equal to a, then show that a is equal to identity or a is singular. So ये बेटा हमारे पास है इसको बेटा हमने प्रूफ करना है 38 क्वेश्चन को. सपोज ए स्केयर इज इक्वल टू ए, तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है ए स्केयर इज इक्वल टू ए एंड वी शो दैट A is equal to identity or A is singular. ठीक है जी. तो ऊपर जो गिवन आपके पास है वन, अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, इसके आप डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a square is equal to determinant of a. ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया. आप इसको लिख सकते हैं आप इस तरह, determinant of a into a is equal to determinant of a. तो साथ इसको बेटा प्रॉपर्टी यूज करें आप, determinant of a into determinant of a is equal to determinant of a. अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा हमारे पास क्या आता है यहाँ से कॉमन, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो बेटा ये हमारे पास आ सकता है, दिस इंप्लाइज दैट determinant of a is equal to 0 or determinant of a minus 1 is equal to 0. ये बेटा दो चीजें हो सकती हैं. तो इसको लिख सकते हैं इस तरह, determinant of a is equal to determinant of 0. determinant से determinant क्या हो जाएगा, determinant of 0 0 ही होता है हमारे पास. ठीक है, तो a is equal to आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 0 के इक्वल, और यहां पर लिख सकते हैं बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है ना, यही होता है ना हमारे पास, ये जो आप लोग पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो हमारे पास 1 होता है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई. तो बेटा डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा. तो ये चीज बेटा उसने आपसे प्रूफ करने को कही थी, हमने ये प्रूफ कर दी इसको. ठीक है, और उसके साथ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये देखें, इसमें हमारे पास कहता है सपोज ए एंड बी आर एन बाय एन मैट्रिसेस, देन ए इफ ए इज सिंगुलर एंड ए बी इज इक्वल टू 0, देन शो दैट बी इज इक्वल टू 0. ये आप लोगों ने खुद करना है. इसी तरह हमारे पास जो है ये 40th क्वेश्चन जो है, सपोज ए एंड बी आर एन बाय एन मैट्रिसेस, ए इज सिंगुलर एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी. ये बेटा आपने इस तरह है कि 42 क्वेश्चंस तक ये आप लोगों ने अब करने हैं बैठ के. ठीक है, मैंने अब 39 तक आप लोगों को, बल्कि 38 तक करवा दिए हैं. 1 2 3 4 क्वेश्चन बेटा आपके पास है, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ तक, ये 4 क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने अब खुद करने हैं. ठीक है, समझ आ गई है. अब नेक्स्ट पे बेटा हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो आप लोग उसको भी खुद से ही करेंगे, वो है क्रैमर्स रूल. ठीक है, ये मैट्रिक्स है गिवन आपके पास है, यहाँ पे सिस्टम गिवन है आपके पास, और क्रैमर्स रूल आप लोगों को आता है. ठीक है, आप लोगों ने क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए 1 to 10 ये 1 to 8 क्वेश्चन जो बेटा आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, 1 to 8 क्वेश्चन जो बेटा आप लोगों ने सॉल्व करने हैं. क्लियर है ये?
8.7 जो है आपके पास ये क्रेमर्स रूल के थ्रू है, 1 to 8 क्वेश्चंस जो है बेटा ये आप लोगों ने खुद से करने हैं, और ये इस वीक तैयारी कर लें, नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट भी है, पहले मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है जी सर। ये जी 1 से 8 तक आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, क्रैमर्स रूल ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन 2x2 वाले हैं, तो ये आप लोगों को वैसे भी आते हैं, 2x2 का जो क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट आपने क्या करना है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। ये देखें ये आपके पास है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या आ जाता है जी, माइनस ये आपको पता है -3, 1, 2, -4, देन आपके पास क्या आएगा x1, x2 आ जाएगा, देन आपके पास आ जाएगा बी मैट्रिक्स जो है वो 3, -6, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है सर, इसको आप नाम देंगे, ये ए है, ये आपके पास एक्स है, और ये आपके पास क्या है बी है। अब बेटा सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है, तो वो आपके पास क्या आएगा -12 -2 = -14, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स, बॉटम पे एक्स लिख दें। सर ये 12 प्लस का नहीं आना जी बेटा, 12 प्लस का नहीं आना। हाँ जी 12 प्लस का है जी, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू जी। तो इससे बेटा हमने ये करना है, जब आप डिटर्मिनेंट ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स वन करेंगे, यहाँ पे एक्स वन के कॉलम से अगर जो आपके पास एक्स वन के लिहाज से करेंगे तो जो एक्स वन का कॉलम आपके पास है वो ये वाला आपके पास है, इसको आप रिप्लेस कर देंगे बी से, तो वो आपके पास क्या है 3 - 6, और सेकेंड वाले को आप वैसे रखेंगे। इसी तरह आप जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए एक्स टू के रिस्पेक्टिव, तो फिर आप क्या करेंगे x2 वाले कॉलम को b से रिप्लेस कर देंगे और x1 वाला वैसे आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 6, इसको आप ओपन करें, इसको भी ओपन करें तो बेटा ये आ जाएगा -12 + 6, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -6। इस तरह यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 18, ठीक है, और ये -6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आप लोग इसको वैल्यू निकालनी है आपने, तो वैल्यू बेटा आपके पास इस तरह आएगी कि x1 की वैल्यू जो आपके पास आएगी x1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली आप जब x2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए x2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए x1 बेटा किसके इक्वल है, वो हमारे पास है -6 के, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल था हमारे पास 10 के। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू ये 12 डिवाइडेड बाय 10, जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.6, और यहाँ पर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 1.2, तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसी मेथड के ऊपर आप लोगों ने इसी प्रोसेस को करते हुए आपने 3x3 के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सॉल्व करने, ठीक है जी। तो ये बेटा आज का लेक्चर था आपका, इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस वीक के आखिरी लेक्चर के साथ, ठीक है।